नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जनपद बिजनौर के मोहल्ला मिर्दकान की खलीफा कॉलोनी में हुई 13 हत्याकांड का बुधवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतक याकूब के दोस्त नाजिम ने ही चोरी का सोना पाने के लिए इस 13 हत्याकांड को अंजाम दिया था। वारदात से पहले याकूब ने उसे चोरी का सोना होने की बात कही थी। इसके लालच में वह याकूब के घर चला गया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना के समय पहनी हुई पैंट शर्ट और चप्पल बरामद की है। रविवार को मोहल्ले में इस हत्याकांड में मंसूर उर्फ भूरा उम्र 60 वर्ष, उसकी पत्नी जुबैदा उम्र 59 वर्ष व पुत्र याकूब उम्र 20 वर्ष की हत्या कर दी गई थी। बुधवार को खुलासा करते हुए एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी नाजिम उर्फ नाजू पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला मिर्दकान का नाम प्रकाश में आया। बुधवार को स्वैट टीम और पुलिस ने नाजिम को दबोच लिया। पूछताछ में उसने बताया कि रविवार रात को पड़ोस में शादी थी, जहां डीजे पर डांस को लेकर याकूब के साथ उसकी धक्का मुक्की हो गई थी। डीजे बंद होने के बाद दोनों बाहर आए और फ्लूट का नशा किया। नशे में याकूब ने शेखी भगाड़ते हुए झूठ बोल दिया कि उसके पास चोरी का सोना है जो घर पर रखा है। सोना चोरी करने के लालच में नाजिम उर्फ नज्जू याकूब के घर चला गया और वारदात को अंजाम दिया। नाजिम ने बताया कि याकूब के पिता मंसूर ने नशे की हालत में दरवाजा खोला था। दरवाजा खोलने के बाद मंसूर जाकर सो गया। याकूब और नाजिम ने घर में बैठकर खाना खाया। इसके बाद याकूब सो गया। उसने याकूब के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। पहले चाकू से जुबैदा का गला काटा, बाद में मंसूर की पेचकस और चाकू से हत्या कर दी। याकूब के सिर में ईंट मारकर और चाकू से गला काटकर हत्या की। याकूब से झड़प होने पर नाजिम की शर्ट का एक बटन टूट गया था, जो घटनास्थल से बरामद हुआ। तीनों की हत्या करने के बाद उसने घर की तलाशी ली, लेकिन सोना कहीं नहीं मिला। इसके बाद वह दीवार फांदकर घर से बाहर आया और दोबारा नशा किया। हत्या के दौरान आरोपी नाजिम की शर्ट पर खून के धब्बे लग गए थे। इसे पहनकर ही वह अपने घर चला गया था। वह कपड़े उसकी बहन ने धोए थे, इसकी पुष्टि आरोपी की बहन ने की। साथ ही फील्ड यूनिट ने केमिकल के माध्यम से शर्ट और चप्पलों पर रक्त होने की पुष्टि की। देखिए बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आकिफ अंसारी की रिपोर्ट। फंसा हुआ है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से जरा बताइए। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि घटना हुई थी और इसमें पुलिस की बहुत 5 टीमें तो लगाई गई थी हमारी। इसके अलावा जो भी हमारे टेक्निकल चीज़ें हम करते हैं, उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी लोग लगे हुए थे। इसमें नामजद किए गए थे लोग, सभी नामजदों से पूछताछ की गई। इसके अलावा चूंकि ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड था इनका, क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो इनके जो साथ के लोग रहे थे, जो साथ में जिन्होंने कभी क्राइम किया था, उनसे की गई। कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई और मामला हो, इन सब की जांच की गई थी। इसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि जो मृतक याकूब था वो एक फंक्शन था, वहाँ पर डांस कर रहा था। तो इस बात पर जब पुलिस वहाँ पहुँची, जानकारी की, तो पता लगा कि इसके साथ एक नाजिम नाम का लड़का था जो साथ में डांस कर रहा था। जब नाजिम को ला के पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि हम दोनों वहाँ साथ में फंक्शन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान याकूब ने उसे बताया था कि उसने कहीं से चोरी वगैरह की है, उसका सामान उसके पास है। इसके बाद ये बाहर निकला, इसने ये लोग फ्लूट वगैरह का नशा करते हैं, उसका खूब नशा किया एक जगह बैठ के। याकूब को इसने थोड़ा ज़्यादा कराया। उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास घर पर आए। घर पे जाके ये वहीं पे दोनों रहे, साथ में इन्होंने बिरयानी वगैरह खाई। उसके बाद इसने याकूब को एक कमरे में अंदर, क्योंकि वो बहुत नशे में था, उसको किया। तो जब अंदर उसे लिटा रहे तो उसी दौरान इसके शर्ट की एक बटन टूट गई। उसके बाद इसने याकूब जिस कमरे में था उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इसको तलाश थी कि जो ज्वेलरी वगैरह है जो याकूब ने बताई थी वो कहीं घर में हो सकती है, तो उसको तलाश करने के नियत से ये गया था। तो इसने फिर पहले बकौल इसके ही इसने पहले इसकी माँ को मारा, चाकू भी वहीं मिला। और उसके बाद इसने उनके जो मंसूर थे वो भी बहुत नशे में थे, वो भी नशे के आदी थे,
उनको मारा। इसके बाद इसने तलाशी ली एक कमरे की, वहाँ जब इसे कुछ नहीं मिला तो फिर ये याकूब के कमरे में गया, कुंडी खोली इसने, अंदर गया। उसके बाद वहाँ इसने पूरी तलाशी ली, याकूब उठा, उसने पूछा क्या कर रहे हैं, तो इसने उसको भी चाकू मारा और बाद में ईंट मारी जिससे वो उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इन्हें पूरे जब अच्छे से तलाशी ली, इसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो याकूब की डेड बॉडी के ऊपर कपड़े डालकर और ये वहाँ से कूद के निकल गया। उसके बाद ये अपने घर पहुँचा, इसके शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स आ गए थे, इसने उसको धोने के लिए डाल दिया। इसकी बहन ने ये देख लिया कि इसके कपड़ों में ब्लड लगा है, इसने अपनी भाभी को बताया, भाभी ने फिर उसकी माँ को बताया कि इसके इन लोगों ने इसको धो दिया था। इसके बाद हम उस शर्ट को लेके आए, उसका बेंजीन टेस्ट किया तो उसमें ब्लड स्पॉट थे, वो देखा। इसके जो बटन जो उसके दौरान टूट गई थी अंदर, वो बटन भी वहाँ से बाद में बरामद हुई है। इसके साथ ही ये इसको ये था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो इसने अपने मोबाइल का जो सिम था उसको भी निकाल के अलग कर दिया था कि इससे मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। और ये केवल उसका इस तलाश थी से कि जो याकूब ने जो बताया था कि उसने कोई चोरी की है, उसका कुछ सामान है वहाँ, उसकी तलाश में गया था। इससे पूछताछ की गई है, इसने पूरी घटना का इकबाल किया है, सारी जो एक एक एविडेंस है उनको जोड़ा गया है और अब इसके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसका मकसद सोना है, चोरी का जो भी सामान था वो ले जाना करना, इसने हत्या क्यों की, क्या वजह इसके पीछे? जब ये वहाँ पहुँचा था घर के अंदर, तो इसको ये था कि जब ये सामान की तलाशी लेगा तो लोग जग जाएंगे, और ये दोनों ही बहुत नशे में थे, ये हमेशा ही फ्लूड और सबका नशा करते हैं। उस दौरान जब ये अंदर गया, इसने सोचा तलाशी लेंगे, उस टाइम कोई बात हुई, कोई जग गया, इसलिए इसने उसकी हत्या की। और उसके बाद याकूब के कमरे में भी गया, जब तलाशी ले रहा था, याकूब की नींद खुली, उसने इससे पूछा, उस दौरान उसने याकूब की भी हत्या। सर, ये आरोपी जो है नज्जू, तो ये जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ, वो कहाँ से ये सामान लाए थे, उसका पार्टिकुलर कुछ खुलासा हुआ उसकी? नहीं, इसको ये नहीं पता कि वो याकूब ने कहाँ चोरी की थी या कहाँ से वो सामान लाया था, ये इसको नहीं पता है। लेकिन इसको ये पता था कि इसके पास है और इसके घर पे है। सिर्फ सिंगल ही है मारने वाला, ये क्लियर है जी? अभी हम लोगों ने जो भी इससे पूछताछ की, सारे एविडेंस सबके हिसाब से अकेला था जो उसके साथ गया, लास्ट में भी इसके साथ था, इसके साथ घर गया, वहाँ पे खाना खाया, उसका आरोपी है। उसके परिवार का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, आरोपी पे भी मुकदमे हैं, दो मुकदमे हैं आरोपी के ऊपर। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।